हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीएड सेकेंडरी में हम संस्कृत शिक्षण में दूसरी इकाई शिक्षण अधिगम, जिसमें हम शिक्षण सामग्री के बारे में पढ़ रहे थे, उस दूसरी इकाई में ही सामुदायिक संसाधन एक टॉपिक है, उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। जैसा कि इसमें आप देख रहे होंगे कि सामुदायिक संसाधन दो शब्द, हम सबसे पहले संसाधन किसे कहते हैं उसके बारे में परिभाषा या अर्थ जानेंगे। संसाधन यानी संसाधन एक ऐसा स्रोत है जिसका उपयोग मनुष्य अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। यानी संसाधन किसे कहेंगे, जो मनुष्य के जीवन में उपयोगी, यानी वो चीज या वस्तु उसके जीवन में उपयोग आ रही है, तो उसी को संसाधन कहेंगे। ऐसे तो प्रकृति में बहुत सारे संसाधन है, लेकिन जब तक वो मनुष्य अपने जीवन में उपयोग नहीं लेता है, तब तक उसको संसाधन नहीं कह सकते। संसाधन उसे ही कहेंगे जो मनुष्य के जीवन में काम आ रही है, मनुष्य के उद्देश्य की पूर्ति कर रही हो, उसकी आवश्यकता की पूर्ति कर रही हो, तभी उसको हम संसाधन कहेंगे। अब सामुदायिक संसाधन जिन संसाधनों का स्वामित्व समुदाय या समाज के पास होता है, उन्हें सामुदायिक संसाधन कहते हैं। यानी जिन संसाधनों का स्वामित्व, यानी जिन वे संसाधन जिनका स्वामित्व, या स्वामित्व का मतलब होता है कि उनके ऊपर अधिकार, उनके ऊपर हक, उनपे उस पे कानून या कुछ भी विचार विमर्श कर सके, वह विषय समाज के पास होते हैं, तो उनको सामुदायिक संसाधन कहते हैं। अब सामुदायिक संसाधन में जैसे तालाब, पार्क, शमशान और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे विद्यालय, पुस्तकालय, ये सब समाज के अंडर में होते हैं, समाज के निर्देशन में चलते हैं, तो इसलिए उनको सामुदायिक संसाधन कहते हैं। यानी समाज के अंदर आपने देखा होगा, एक समाज के अंदर मतलब कि क्या क्या चीज होती है, डाकघर भी होता है, क्या कहते हैं, विद्यालय भी होता है, नदी भी होती है, खेत भी होते हैं, तो इनका स्वामित्व किसके पास होता है, समाज के पास होता है, इसलिए इसको सामुदायिक संसाधन कहते हैं। ऐसा देखा जाए तो संसाधन के तीन प्रकार है, एक होता है सामुदायिक संसाधन, एक होता है राष्ट्रीय संसाधन, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब सामुदायिक संसाधन जो समाज के पास में होता है, जिसका स्वामित्व किसके पास होता है, समाज के पास, और राष्ट्रीय संसाधन ऐसे राष्ट्रीय संसाधन जो राष्ट्र के पास होते हैं, जिसका स्वामित्व राष्ट्र के अधीन होता है, तो उनको राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन जिनका स्वामित्व अंतर्राष्ट्रीय कानून के पास में होता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पास में होता है, उनको अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। हमको सामुदायिक संसाधन के बारे में पढ़ना है, तो देखो शिक्षा शास्त्रियों ने सामुदायिक संसाधन का वर्गीकरण किया है कि भाई कितने प्रकार के सामुदायिक संसाधन होते हैं। यहाँ पे देखो सामाजिक साधन, सामाजिक स्थल, भौगोलिक स्थल, सांस्कृतिक स्थल और प्रशासकीय स्थल। और सामाजिक साधन में कौन कौन से आते हैं, रीति रिवाज आता है, परंपरा आता है, संस्कृति आता है, सभ्यता आता है आदि। यानी मतलब समाज में जितने भी जो कार्यक्रम होते हैं, समाज में जितने भी रीति रिवाज होते हैं, वह सभी सामाजिक साधन में आते हैं। सामाजिक स्थल, और सामाजिक स्थल में जैसे विद्यालय है, पुस्तकालय है, डाकघर है, और भी जो स्थल है वो सामाजिक स्थल में आते हैं। अब भौगोलिक स्थल में पर्वत, नदी, वन, हवाई जहाज, रेलवे स्टेशन और भी बहुत सारे आप देखते हो, पहाड़, ये फॉरेस्ट, ये सब किसमें आते हैं, भौगोलिक स्थल में आते हैं। बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, नदियां होती है, पठार होते हैं, ये सब किसमें आते हैं, भौगोलिक स्थल में। तो सांस्कृतिक स्थल, कला केंद्र, आकाशवाणी, दूरदर्शन, संग्रहालय और भी संगीत, जैसे संगीत से जुड़े होते हैं, जैसे स्टूडियो होते हैं, फिल्म स्टूडियो होते हैं, उन सभी को हम किसमें कहते हैं, सांस्कृतिक स्थल में आते हैं सांस्कृतिक। और प्रशासकीय स्थल में ग्राम पंचायत, नगर पालिका, जिला बोर्ड, न्यायालय, जिला परिषद, नगर निगम और बहुत से, जैसे न्यायालय है, ये संसद है, ये सभी किसमें आते हैं, प्रशासकीय स्थल में आते हैं। मैं इन चीजों के बारे में इसलिए कह रहा हूँ कि ये सभी चीजें हमें अधिगम सामग्री के अंदर गिनना है। मतलब है कि बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो वो आधे से ज्यादा अपना जो समय कहाँ बिताता है, परिवार में बिताता है, समाज में बिताता है, वो समाज के वातावरण के बीच में रहता है। यानी हमें
जैसे प्रेरणा तो वो अभी प्रेरणा तो हमें स्कूल से देनी है, लेकिन वो व्यक्तिगत संपर्क कहाँ जाके करेगा, अपने समाज के बीच में करेगा, समाज के बीच इन सभी वस्तुओं, इन सभी जो मैं नाम लिखे उनके बीच में जाके संपर्क करेगा। तो इनका नाम लेते हुए अपन शिक्षण करवाते हैं, अध्ययन करवाते हैं, तो इससे शिक्षण क्या होता है, प्रभावी होता है और एक जल्दी उस बच्चा समझने की कोशिश करता है। अब सामुदायिक संसाधन का महत्व हमने प्रकार के बारे में पढ़ा है, तो आप सामुदायिक संसाधन का अपने संस्कृत शिक्षण में क्या महत्व है, यानी मैंने अभी बताया कि जितने भी सामुदायिक संसाधन है, यानी समाज में जो संसाधन है, जैसे विद्यालय है, पुस्तकालय है, डाकघर है, खेत है, सड़क है, खम्भे है, कोई भी हो, पर्वत है, पाटा है, ये जितने भी जो वस्तुएं हैं, जितने भी वो ये प्राकृतिक स्थल है, ये इन चीजों को देखते हुए, इन चीजों को मतलब कि प्रत्यक्ष ज्ञान लेते हुए हमें बच्चों को शिक्षण करवाना चाहिए, जिससे क्या है कि शिक्षण एक तो सुचारू रूप से होता है और बच्चों को जल्दी समझ में आता है। क्योंकि एक बालक अधिकांश वो घर पर रहता है, विद्यालय से ज्यादा भले कि एक विद्यालय में 6 घंटे से ज्यादा वो नहीं रहता है, 6 घंटे ही बिताता है 24 घंटे में से, बाकी समय वो घर पर बिताता है। तो घर के मतलब घर पर जाने के बाद में वो अपने परिवेश में, अपने वातावरण में जो एक माहौल देखता है, माहौल वो जिसके संपर्क में जाता है तो उसको समझने की कोशिश करता है। तो ज्ञान ऐसा हो, शिक्षा ऐसी हो जो वो अपने समाज में जाकर उस चीज से, उस विषय वस्तु से तुलना कर सके, इस विषय वस्तु को प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त कर सके। तो संस्कृत शिक्षण में इस सामुदायिक संसाधन का बहुत ही महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्णता रखता है। अब जैसे मैं यहाँ पे पॉइंट के माध्यम से बताऊं कि संस्कृत शिक्षण में सामुदायिक संसाधन का महत्व, पहला है आध्यात्मिकता का चिंतन व्यायाम ज्ञान की प्राप्ति, यानी वो समाज के बीच में जाता है, जैसे मंदिरों में जाता है, चर्च में जाता है या कहीं भी धार्मिक स्थल पर जाता है, तो वहां पे उसको आध्यात्मिकता का ज्ञान होता है, वो उसके आध्यात्मिकता के बारे में चिंतन करता है। यानी आप जब एक बार आप देखा होगा कि जब भी आप मंदिर जाते हैं या कोई धार्मिक स्थल पर जाते हैं, तो वहां पर जाने के बाद में वापस उसके वहां उस धार्मिक स्थल से वापस आते हैं तो अपन को एक अच्छा सा फीलिंग होता है, अच्छा सा ज्ञान मिलता है, तो वैसा उसका वातावरण बनाना। दूसरा है अतीत में भविष्य तक का प्रशिक्षण करना, यानी हम अतीत में होते हैं तो भविष्य का अपन चिंतन कर सकते हैं, दूरदृष्टि ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, यानी दूर तक अपन सोच सकते हैं। इन संसाधनों के माध्यम से हम मतलब आने वाले समय के का भी हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। समुदाय ज्ञान का अक्षय भंडार है, बिल्कुल सही बात बताए कि जो ज्ञान हम पुस्तकों के माध्यम से नहीं कर सकते, वो ज्ञान हम एक समुदाय भंडार, यानी जितने भी अपने प्रकृति पे ये स्थल दे रखे, प्रकृति पे जो ये भगवान ने ये चीजें निर्मित करी है, उन चीजों को देखते हुए व्यक्ति, बालक ये सभी ज्ञान प्राप्त करते हैं, यानी इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष यानी देख कर ज्ञान प्राप्त करना, यानी इस पृथ्वी लोक पर अक्षय भंडार है, यानी मतलब ज्ञान की कमी नहीं है, जितना वो ज्ञान प्राप्त करना चाहे वो कर सकते हैं। समुदाय अध्यापक छात्र व विद्यालय को शिक्षण की सामग्री प्रदान करता है, एक जैसे एक टीचर है, शिक्षक है, बिना किताब के भी पढ़ा सकता है, क्योंकि समाज में रहते हुए, समाज की वस्तुओं को दिखाते हुए, उनको बच्चों को अवगत कराते हुए वो शिक्षण को संपूर्ण कर सकता है, शिक्षण को पूर्ण कर सकता है, यानी बच्चों को सामुदायिक ज्ञान, सामुदायिक के बारे में बताते हुए वो अपने ज्ञान या शिक्षण को पूर्ण कर सकता है। यानी एक समुदाय जो ये अक्षय भंडार है, वो अध्यापक छात्र और विद्यालय के लिए क्या है, शिक्षण सामग्री। समुदाय में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि के साथ पूर्वजों के धार्मिक प्रयास सम्मिलित है, यानी समुदाय में मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, गुरुद्वारा, ये भी धार्मिक स्थल भी अपने शिक्षण में एक सहयोग देते हैं और कहीं ना कहीं बालक को अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करते हैं और प्रत्यक्ष ज्ञान देते हैं। अगले वीडियो में हम अगला विषय पढ़ेंगे। धन्यवाद।